गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण, चैप्टर 5। चैप्टर नेम है नाम शब्द, जो कि हमने कल पढ़ा था। ठीक है बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे बुक वर्क, समझेंगे भी और करेंगे भी। बच्चों ये तो सभी को आपको पता चल गया होगा कि सभी लोगों, वस्तुओं तथा जगहों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? नाम शब्द। तो बुक वर्क में देखते हैं बच्चों, रचनात्मक अभ्यास। क्वेश्चन 1 है कि इन 3 पशुओं के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखिए। ये आपको बच्चों घर पर ही स्वयं से करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 पशुओं के चित्र चिपकाकर नीचे उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी वर्क हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखिए। ये बच्चों आपको स्वयं करना है, ठीक है। दादा, दादी, माँ, पिता, भाई, बहन, ठीक है। बच्चों आपको अपने परिवार में, जो आपकी फैमिली में हमारे मम्मी पापा हैं, दीदी है, बहन है, ठीक है, भाई है, दादा दादी, इन सभी के आपको मतलब जो नाम दिए गए हैं ना यहाँ पे, इन्हीं के सामने आपको यहाँ पे लाइनिंग में उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। ये आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं जिनके नीचे हमें उनके नाम लिखने हैं। जैसे किसका चित्र है? ये है मोर, ये है हाथी, और ये कबूतर। ये चित्र है ऊँट का। क्या है बच्चों? ये ऊँट। ये क्या है? सेब। ये चित्र किसका है? ये है आम। क्या है बच्चों? आम। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई वर्ग पहेली में अलग अलग प्रकार के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर सही स्थान पर लिखिए। बच्चों ये आपकी वर्ग पहेली है, इसमें से आपको नाम इकट्ठे करने हैं और नीचे यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि क दिया गया है 2 फूलों के नाम, तो आपको दोनों फूलों के नाम इस जो आपकी वर्ग पहेली है ना, ये इस वर्ग पहेली में ही आपको इन दोनों फूलों के नाम मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं ख, 2 पशुओं के नाम, शेरनी, बंदरिया, वो भी आपको इसी में से मिलेगी, ठीक है। जैसे ये हो गया शेरनी, ठीक है, और ये हो गया बंदरिया। इसी प्रकार से आपको सभी के नाम इस वर्ग पहेली में मिले, ठीक है बच्चों। तो एक बार अच्छे से अध्ययन करके अपनी बुक वर्क का साफ साफ सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में करना है, ठीक है, पेंसिल की सहायता से। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही कार्य है आपका, ध्यान से करेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया है उसी प्रकार से अच्छे से समझ समझ कर, ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।